Dear students, this is L.K. Tripathi from LPN Public School, your SST teacher. Dear students, we shall discuss about history chapter 4, that is your new lesson. Dear children, we shall discuss today about the Mughals. Who were the Mughals? How did they establish their dynasty in India? Who was the founder of Mughal dynasty? All these facts we shall discuss through this chapter. First of all, let's start. You are going to study about a Mughal ruler, Humayun, who was extremely superstitious. So much did he believe in these superstitions that he matched his clothes and their colors according to days and dates. He re-entered a room if the left foot happened to enter first and insisted on others following the same rules. Because of his clumsy robes and superstitious nature, one evening while climbing down from his library, at the sound of the prayer call, he fell from the stairs. This fall caused serious injuries, and after 3 days he died. Try to understand. Just you will come to know about the Mughal ruler Humayun, जो बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी था, superstitious था, और superstitious beliefs उसके पास, superstition में बहुत ज़्यादा believe करता था अंधविश्वास में, और यहाँ तक वो अंधविश्वासी था कि वह अपने कपड़े का मैच और रंग दिन और तारीख के हिसाब से तय करता था कि किस डेट को क्या पहनना है, किस दिन क्या पहनना है. और ही री एंटर ए रूम इफ़ द लेफ्ट फुट हैपन टू एंटर फर्स्ट एंड इंसिस्टेड ऑन अदर. यहाँ तक वो अंधविश्वासी था कि वह उस कमरे में फिर से पहुंच जाता था, वापस जाता था, यदि उसमें उसका बायां पैर पहले पड़ गया था. और बायां पैर पड़ने के बाद अगर कोई ऐसी बात या घटना हुई तो वो पुनः वापस आके दूसरा पैर बदल के फिर उसमें घुसता था. इतना बड़ा अंधविश्वासी. ऐसे ही अंधविश्वास में वो एक बार सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था अपनी लाइब्रेरी से, और उसी बीच वो प्रेयर की साउंड सुनता है जो अजान होती है, बिकॉज मुस्लिम ऑलवेज गिव अजान, दैट इज नोन एज प्रेयर इन इंग्लिश. आई एम जस्ट लिसनिंग प्रेयर. ही फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स. सीढ़ियों से वो गिरता है और यह गिरना उसके लिए मृत्यु का कारण बन जाता है. बहुत सीरियसली वो इंजर्ड हो जाता है और 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है. दिस इज द स्टोरी ऑफ हुमायूं. कैन यू थिंक ऑफ द वेरियस सुपरस्टिशंस दैट वी कम अक्रॉस रेगुलरली? शेयर देम विद द क्लास एंड डिस्कस वेदर वी शुड रिटेन देम और गेट रीड ऑफ देम. हमें अब इसको जो है क्लास में बहस करनी चाहिए कि इतने विभिन्न तरह के जो अंधविश्वास हैं, क्या हमारे जीवन में नित्य आते हैं, डेली आते हैं, इसको हमें क्लास में डिस्कस करना चाहिए और इसको शेयर करें. और
ये सोचना चाहिए कि क्या हमें इसको रिटेन करना चाहिए या इससे पीछा छुड़ाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो वी से फ्रेंकली सच टाइप्स ऑफ सुपरस्टिशन इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बींग, दिस इज नॉट ए डिवाइन हैपनिंग, दिस इज नॉट ए डिवाइन कर्स। वी शुड बिलीव इन आवर ओन आइडेंटिटी एंड इन आवर ओन टास्क एंड डीड्स। हमें अपने कर्मों पर और अपने अध्यात्म और विश्वास करना चाहिए। बिलीव द गॉड एंड फेथ द गॉड, थिंग्स विल बी हैपन वाट एवर इट हैज टू बी। नेक्स्ट वी शैल सी द इम्पीरियल पावर ऑफ द मुगल्स इमर्ज एज द मोस्ट फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पावर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आफ्टर द एंड ऑफ द सल्तनत एरा। एट द पीक ऑफ देयर पावर दे कंट्रोल ए लास्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मीन्स दिस डायनेस्टी इज कंसिडर्ड एज ए ग्रेट डायनेस्टी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आफ्टर एंड ऑफ सल्तनत एरा दिस डायनेस्टी एमर्ज इन पावर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फर्दर लेट्स गो, द पॉइंट इज मुगल रूल इन इंडिया। हाउ डिड मुगल रूल एस्टेब्लिश इन इंडिया? बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। हिज पीरियड इज नोन फ्रॉम 1526 टू 1530 क्रिश्चियन एरा। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। ही ट्रेस्ड हिज लिनेज टू तैमूर ऑन हिज पैटर्नल साइट एंड चंगेज खान ऑन हिज मैटरनल साइट। चंगेज खान के डायनेस्टी से इसकी माँ बिलोंग करती थी। फादर साइड इसका तैमूरी था। चंगेज खान इज वेरी डिफेम्ड नेम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ही इज नोन एज ए वेरी क्रूअल एंड अनकाइंड इन्वेडर फ्रॉम कजाकिस्तान। एट ए यंग एज ऑफ 11 ही सक्सीडेड हिज फादर टू द थ्रोन ऑफ फरगाना, ए स्मॉल प्रिंसिपलिटी ऑफ ट्रांसोनिया। वह फरगाना का रहने वाला था। 11 साल की उम्र में ही अपने फादर को सक्सीड कर लिया था, उनका उत्तराधिकारी बन गया था और फरगाना के थ्रोन को पर काबिज हो गया था, जो एक छोटा सा जो है एक साम्राज्य हुआ कि प्रिंसली स्टेट था, ट्रांसोक्सियन नाम जिसका नाम। एज द रूलर ऑफ फरगाना बाबर वॉज फोर्स टू डिफेंड हिज किंगडम अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन्स। ही कैप्चर्ड काबुल इन 1504 क्रिश्चियन एरा। अट्रैक्टेड बाय टेल्स ऑफ इंडियाज वेल ही स्टार्टेड प्लानिंग एंड एक्सपेडिशन टू इंडिया। बाबर गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन 1526 क्रिश्चियन एरा व्हेन दौलत खान लोधी द पावरफुल अफगान गवर्नर ऑफ पंजाब आस्क बाबर टू हेल्प हिम डिफीट इब्राहिम लोधी द सुल्तान ऑफ दिल्ली। फरगाना का वो रूलर होते हुए बाबर जो है बाबर के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था कि विदेशी आक्रमण से अपने स्टेट को बचाए, अपने एम्पायर को बचाए।
काबुल को इसने कैप्चर कर लिया था 1504 क्रिश्चियन एरा में। और ये कहानियाँ भारतीय धन दौलत के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुन चुका था लोगों से, और उसने प्लान किया कि इंडिया की तरफ जो है एक्सपेडिशन किया जाए, उधर को मार्च किया जाए। बाबर गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन 1524 क्रिश्चियन एरा व्हेन दौलत खान लोधी द पावरफुल अफगान गवर्नर ऑफ पंजाब। दौलत खान लोधी उस समय पंजाब का गवर्नर होता है जो बहुत ही पावरफुल था। बाबर को मौका मिला वो अपनी मदद करने के लिए इब्राहिम लोधी से, जो उस समय एक मजबूत शासक था दिल्ली का। बाबर रेडली एग्रीड एंड डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट ऑन 20 अप्रैल 1526 क्रिश्चियन एरा। बाबर गॉट बेटर अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन इंडिया। ही फॉट द फर्स्ट वार ऑफ पानीपत अगेंस्ट इब्राहिम लोधी एंड ही डिफीटेड हिम। दिस विक्ट्री मेड बाबर द मास्टर ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड लेड टू द फाउंडिंग ऑफ मुगल एम्पायर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इन ऑर्डर टू फर्दर कंसोलिडेट हिज एम्पायर बाबर डिफीटेड राणा सांगा द रूलर ऑफ मेवाड़ जस्ट आफ्टर ए ईयर। द स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ राजस्थान मेवाड़ राणा सांगा वॉज ऑल्सो डिफीटेड बाई बाबर इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527 विच हेल्प्ड हिम establish his control over northern India. His conquest of the forts of Gwalior, Mewar and Dholpur further strengthened his position. He also annexed a large part of Alwar from Hasan Khan Mewati, led a campaign against Medini Rai of Chanderi in Malwa and the combined forces of the Afghans and the Sultan of Bengal at the river Ghagra. Babur thus strengthened his empire within a period of 4 years. In very short time he captured the part of Rajasthan, Madhya Pradesh, Gwalior and Bengal, Afghanistan, up to the Ghagra region he established his power. Babur died in 1530 Christian era. Babur's personality was a great combination of a brilliant military general, an enlightened emperor, a hard taskmaster, a stern disciplinarian and a man of letters. He was learned in Persian and Arabic. His autobiography, The Tuzuk-e Babri or Babarnama, written in Turkish language, is considered as one of the classics of world literature. In this book, he described the flora and fauna of India in great detail. He is also credited with having made the gunpowder popular. He was such a powerful ruler, well disciplined. He was learned of Persian and Arabic languages. He written his autobiography Tuzuk-e Babri or Babarnama. All such types of facts are mentioned, which is read by most historians and people
popularly. Thank you very much.